अब देखो इन्होंने इतनी खरमस्तियाँ की रिफज घोला हमने फिर बड़ी मेहनत के बाद जाकर एह अहले सुन्नत के लिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस की और इतने प्रोग्राम किए अब ये फिर यानी जब इन्होंने देखा कि हमारा तो पर्दा चाक हो गया और वह सुन्नत का परचम जो कभी हम हाथ में रखते थे अब तो सब को पता चल गया अब नए सिरे से, से मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि हम भी एक इंटरनेशनल अहले सुन्नत यानी जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस करेंगे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो उसमें बुलाओ वो जो सुन्नी हो जिनके अंदर रिफस भरा हुआ है वो जितने भी जोड़ दो तो उससे दुनिया अब जान गई है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस को सुन्नी कॉन्फ्रेंस नहीं कहा जाता इस वास्ते मैं पहले दावत दे रहा हूं कि जो लोग वो कराना चाहते हैं वो कोई सुन्नी लोग उसमें बुलाएं तकरीर कराने वाले जिनका किरदार सही हो जिनका माजी सही हो जिनकी अफकार अह सुन्नत के मुताबिक हों मुजद्दीन की फ़िक्र पर वो मौजूद हों वो अफकार सैद ना मेर अली शाह रम की फ़िक्र पर मौजूद हों ये जिन्होंने घोट घोट के रिफज खाया हुआ है और अब फट रहे हैं उन्हीं को फिर जोड़ कर ये दिखाना चाहते हैं हरग ऐसी धांधली नहीं चलेगी अब जमाना बेदार हो चुका है अल्लाह के फ़ल से अहल सुन्नत व जमात के और तफजीलियों और राफियों के दरम्यान अल्लाह के फजल से वाज फ़रक यहाँ से लेकर मदीना मनवर तक नज़र आ रहा है हज़रत शेख अब्दुलक मदलवी ने यहाँ अहल सुन्नत की रमस बयान की है यानी ये जो शुरुआत हैं बहुत ज़्यादा उनमें खास तौर पर रमज जो बयान की है तो हजरत शाह अब्दुल हक मदय से देवी ये आशियातलमत इसके अंदर आपका ये फरमान जो है वो मौजूद है इसी हदीस के तहत छः सौ अठासी सफ़र ये सुन्नी कानफ्रेंस जिन्होंने करवानी है इस्लामाबाद में उनके लिए खसूस तोह है कि कम अज़ कम शेख का ये मकाम पढ़ के वहाँ पर सुना दें छह सौ अठासी सफे पे क्या है इस हदीस के तहत ये लिखा है कहते हैं कि ई हदीस दलालत दारद फिरका बर के हर दो फिर का बर मिल्लत इस्लामंद कि ये हदीस दलालत करती है दलालत रखती है किस चीज पर कि हर दो फिर का बर मिल्ल इस्लामंद बावजूद के कि यके ना बराहबूद यानी अगरचे वो जो इजिहादी इख्तलाफ था तो इतिहादी इख्तिलाफ में एक तरफ हकी इतिहादी था और दूसरी तरफ खता इजिहादी थी आगे कहते ये लफज व आहल सुन्नत व जमात रा आहल वा जमात था था। सुन्नत व जमात सुल्हे इमाम हसन रद्ला तला दलील बर सेहत इमारतिया रजी अल्लाह यहाँ से ये यह पता चलता है कि ये टोला अपनी इन हरकतों से खुद जहर करता कि ये सुन्नी नहीं रहे और ये रिफज में चले गए हैं क्योंकि सुनियों की तो यहाँ रमज बयान की हजरत शेख अब्दुल हक मदय से दिलवी रहा सुन्नत व जमात राह इमाम हसन रजियनो दलील बर सेहत इमारत मुआविया इमारत मुआविया के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ती का अमीर होना सही है यानी आपका अमीराममिन होना आपके अमीराम होने के सेहत पर दलील क्या है कहते हैं दलील ये है कि उनको इमाम हसन ने अमीर मान लिया है अहल सुन्नत वा जमात्रा यानि दर्द दूसरों को हो तो उनका तो इलाज नहीं लेकिन अहल सुन्नत व जमातरा सुलह इमाम रजी अल्लाह तलीलस के इमाम हसन रजी अल्लाह सुलह कर की ये दलील किस पर है बर सेहत इमारत मुआविया इमारत है अमीर होना यानी उनका अमीरमिन होना उसका सही होना जो है उस पर दलालत कर रहा है ये किरदार जो हज़रत अमीर माविया के लिए हज़रत इमाम हसन मुजतबारली ने ख़ुद ये उनके सुपुर्द किया इस अजीम अमर को और इस पर रसूल पाक सल्ला वसम की तो के लिहाज से सरकार दो वसम